हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज के क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एनालिसिस ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिकली थ्री केसेस लूंगा। फर्स्ट, आई एनालाइज द एसी वोल्टेज फॉर प्योर रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है। मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा कि रेसिस्टिव सर्किट के लिए मैं बना रहा हूँ। दूसरा सर्किट जो मैं एज्यूम करूंगा दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट, दैट इज फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, हम परफॉर्मेंस देखें एसी वोल्टेज को अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। एंड द थर्ड वन इज द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब देखिए, मैं प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव कह रहा हूं, ये जो है दीज आर द प्रैक्टिकल, दीज आर बेसिकली द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एसी एनालिसिस। ठीक है, इंडक्टिव अगर हम देखते हैं तो प्योर इंडक्टिव करके कुछ नहीं होता। अगर हम कोई भी इंडक्टर बना रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं ये इंडक्टर फॉर्म कर रहा हूं तो दिस इंडक्टर इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल। मान लीजिए अगर मैं क्या भले कितना भी रेसिस्टेंस कम करूं, इट हैज सम रेसिस्टेंस। सो प्रैक्टिकली कोई भी इंडक्टिव सर्किट विदाउट रेसिस्टेंस नहीं हो सकता। उसी तरह से प्रैक्टिकली कोई भी कैपेसिटिव सर्किट विदाउट रेसिस्टेंस नहीं हो सकता। बट फॉर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फॉर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो एसी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो प्योर इंडक्टिव होगा और प्योर कैपेसिटिव होगा। ठीक है, और फिर इस नॉलेज को हम एक्सटेंड करेंगे आरएल और आरसी सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये मेरा लेक्चर का फ्लो होगा। तो पहला केस जो मैं एज्यूम कर रहा हूं दैट इज केस नंबर वन, आई एम एज्यूमिंग फॉर रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, रेसिस्टिव सर्किट। अब देखिए, ये एक रेसिस्टेंस एज्यूम करता हूं और मान लीजिए इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस मैंने एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया यहां पर। ठीक है, ये मैंने एसी वोल्टेज अप्लाई किया, दिस इज वी एसी एंड जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है उसे मैं आई एसी मानता हूं और ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया। अब अगर यहां पर मैं देखूं, एनालाइज करूं इसको, तो वी एसी की मुझे देखिए प्रोसीजर मुझे क्या फॉलो करना है इन तीनों सर्किट के लिए, मुझे क्या करना है मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूं कैसे मैं फॉलो करूंगा। वोल्टेज मैं एज्यूम करूंगा, ठीक है, मैं एज्यूम करूंगा कि एसी वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, करंट को मैं फाइंड आउट करूंगा कि करंट की वैल्यू क्या आ रही है, और करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद फिर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, फेजर डायग्राम किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच, आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तीनों केस के लिए। उसके बाद मैं पावर पावर का रिलेशनशिप निकालूंगा, देयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर और व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन केस ऑफ ए प्योर रेसिस्टिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये मेरा फ्लो होगा तीनों के लिए। तो अभी मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया कि वी ए सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि ये मेरा एसी है, एसी वोल्टेज मैंने अप्लाई किया। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ए सी, आई ए सी की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ, दिस करेंट, सो दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस रेसिस्टेंस। सो मैं ये कह सकता हूँ कि आई ए सी इज नथिंग बट वी ए सी बाई आर। सो आई कैन सिंपली राइट आई ए सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो यहां से क्या आ जाएगा, वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। नाउ इफ आई सिंपली एज्यूम आई एम मीन जो मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होगी आई ए सी में, जो मैक्सिमम करंट की, क्योंकि आई ए सी का भी नेचर जो होगा वो सोनोसाइडल होगा, द मैक्सिमम करंट इज गिवन बाई द वी एम बाई आर।
इफ आई एज्यूम दिस, इफ इफ आई एम इज इक्वल टू दिस, सो आई ए सी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज का, ये जो एक्सप्रेशन था वोल्टेज का और ये एक्सप्रेशन निकला मेरा करंट का, इफ आई कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन VAC एंड IAC, ठीक है। तो इन केस ऑफ ए रेसिस्टिव सर्किट हमने क्या देखा कि कोई भी फेज डिफरेंस यहां पर नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर जो साइन की वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसको देखूं, ये भी साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी, तो ये हम कह सकते हैं, और हमें हमें प्रेडिक्टेड भी था ये रिजल्ट कि इन केस ऑफ ए रेसिस्टेंस देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो फेजर डायग्राम देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, क्योंकि जब भी हम एसी का डिस्कस करते हैं, दिस फेजर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेजर डायग्राम। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फेजर डायग्राम जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो किसी एक एक क्वांटिटी को हम रेफरेंस लेंगे और बाकी सारी क्वांटिटी उसके रेफरेंस में ड्रॉ करेंगे। दूसरा चीज, जो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे उसमें हमेशा हम पीक वैल्यू लेंगे, जैसे अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू ले रहा हूँ तो वो भी पीक वैल्यू होगा, अगर मैं करंट की वैल्यू ले रहा हूँ तो वो भी पीक वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ, सिंस कोई फेज डिफरेंस नहीं, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस में जो मैंने एज्यूम किया था, मैंने वोल्टेज एज्यूम किया था, तो मैं वोल्टेज को यहाँ पर रेफरेंस में क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस में ले रहा हूँ, तो ये मेरा वोल्टेज हो गया वी एम, ठीक है, पीक वैल्यू मेरी वी एम है। और करंट की वैल्यू क्या है, करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मीन्स फाई इज इक्वल टू जीरो, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, केवल करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो उसको मैं लिख देता हूँ आई एम। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर रेसिस्टिव सर्किट, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर रेसिस्टिव सर्किट। आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये क्या फेजर डायग्राम बना, मतलब रेसिस्टेंस के लिए, ऐसी बात नहीं है, अभी हम इंडक्टर और कैपेसिटर में देखेंगे, वहां पे बहुत बड़ा यूज है इसका, ठीक है। यहाँ तो फिर भी हमें लग रहा है कि हम सिंपली इसमें से डायरेक्ट भी ये बात कह सकते थे, फेजर डायग्राम की क्या जरूरत थी, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। अब मैंने थर्ड स्टेप में आपको क्या बताया था कि आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द पावर इन द रेसिस्टिव सर्किट, दैट व्हाट इज द पावर वी आर गेटिंग इन केस ऑफ ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अब पावर कैसे निकालते हैं आपको पता है, अगर सबसे पहले मैं यहां पे निकालता हूं इंस्टेंटेनियस पावर, मींस पावर एट एनी टाइम टी, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। सो एट एनी टाइम टी दिस पावर पी, आई एज्यूम दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वी ए सी मल्टीप्लाइड बाई आई ए सी, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करेंट। सो वट इज दिस वोल्टेज, वोल्टेज इज वी एम साइन ओमेगा टी एंड करेंट इज आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस। एवरेज पावर, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज पावर, इफ वी इंटीग्रेट दिस वी आर गेटिंग द एवरेज पावर, तो ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, कहां से टोटल टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल टाइम पीरियड कहां से कहां तक है, 0 to 2π, ठीक है, साइन वेव है इसका टाइम पीरियड जो है 0 to 2π हमने ले लिया, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको क्या करना है, टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड भी करना होगा तो एवरेज पावर निकलेगा, करेक्ट। अभी इस चीज को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, वी एम आई एम कॉन्स्टेंट है मैं बाहर ले लेता हूँ, अपॉन 2π, तो ये बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, 0 to 2π साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो इफ आई सॉल्व दिस, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी एम आई एम अपॉन 2π
जीरो टू टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू ले लूंगा, टू ओमेगा टी अपॉन टू, और ये किसके साथ, सॉरी यहाँ पे मैं डी ओमेगा टी लिखना भूल गया, दिस इज डी ओमेगा टी, इंटीग्रेशन का टर्म लिखा डी ओमेगा टी के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा डी ओमेगा टी, करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा वी एम आई एम अपॉन टू पाई, ये तो कॉन्स्टेंट ही है। अब देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई वन बाई टू डी ओमेगा टी माइनस जीरो टू टू पाई कॉस टू ओमेगा टी बाई टू इंटू डी ओमेगा टी। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, ये कॉस क्या है, एक पीरियोडिक टर्म है, और आपको पता है कि एक साइन, साइन हो या कॉस हो उसका अगर एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब ये जो है, या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं तब भी जीरो आएगा, मैं डायरेक्टली इसको कह सकता हूं कि इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर इसका एवरेज वैल्यू जीरो होगा तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं वी एम आई एम अपॉन टू पाई, और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू तो बाहर ही हो गया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी, और ये हो गया जीरो टू टू पाई, करेक्ट। तो यहां से आ जाएगा वी एम आई एम अपॉन फोर पाई, फोर पाई इंटू टू पाई, ठीक है। तो यहां से क्या कट हो सकता है, ये यहां से कट हो करके क्या आ गया, टू। तो यहां से जो वैल्यू आई वो मेरी आ गई पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन टू, ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वी एम बाई रूट टू मैं लिख सकता हूं और इंटू आई एम बाई रूट टू, करेक्ट, वी एम बाई रूट टू इंटू आई, तो इसको मैं लिखता हूं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो इन रेसिस्टिव सर्किट व्हाट इज द एवरेज पावर, दिस एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये हमें पहले से ही प्रिडिक्टेड था कि यही आएगा, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे डिराइव करके बता दिया। तो इन केस ऑफ ए रेसिस्टिव सर्किट वी हैव डिराइव्ड दिस पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, करेक्ट, आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। अब इसके आगे सेम यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए मैं एक इंडक्टिव सर्किट ले रहा हूँ, ठीक है। तो केस नंबर टू, केस नंबर टू, आई एम एज्यूमिंग हियर प्योर इंडक्टिव सर्किट, दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्रैक्टिकली आपको कभी भी प्योर इंडक्टर नहीं मिलेगा, बट ठीक है, फॉर एनालिसिस पर्पस, फॉर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वी कैन एज्यूम दिस। तो अगर मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट एज्यूम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंडक्टर को, सपोज दिस इज वन इंडक्टर एंड हियर आई एम इट कनेक्टिंग इट टू द एसी सप्लाई, ठीक है, और सेम वही फॉलो करेंगे, एसी सप्लाई मैं यहाँ पर वी ए सी एज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि ये करंट आई ए सी है और ये इंडक्टर के थ्रू जा रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया, आई एज्यूम वी ए सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो अगर यहां से मैं देखूं, अब देखिए इंडक्टर के अक्रॉस ये करंट है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ ए इंडक्टर, तो मुझे पता है दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ये होता है। तो अगर यहां से मुझे करंट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, दिस करंट इज इक्वल टू वी एल बाई एल, इस एल को यहां लेके जाएंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे ऑन डी टी। तो यहां से अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 1 बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी टी, इज इट करेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा करंट। तो अगर यहां से मैं देखूं तो आई ए सी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, पैरेलल में है, सेम वोल्टेज रहेगा वहां पे, तो वो मैं अज्यूम कर सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ वी ए सी डी टी, करेक्ट, ठीक है, वी ए सी डी टी। तो यहां पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, वी ए सी डी टी,
तो इज इक्वल टू वन अपॉन एल, वी ए सी की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं, वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी टी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो यहां से आ जाएगा आई ए सी इज इक्वल टू वन अपॉन एल। अब देखिए वी एम भी कॉन्स्टेंट है तो वी एम को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो वी एम इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तो यहां से आ जाएगा वी एम बाई एल, वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन कॉस ओमेगा टी, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आ गया आई ए सी इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, माइनस बाहर ले ले रहा हूं मैं, माइनस कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। अब अगर यहां पर ये ओमेगा एल है, ठीक है, तो सिंपली ओमेगा एल को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, एक्सएल। इफ आई एज्यूम एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस वी एम बाई एक्सएल इज कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर होगा। अब वी एम बाई एक्सएल, देखिए जैसे वहां पे वी एम बाई आर था तो उसको हमने क्या लिखा, आई एम, तो इसी तरह से इस सर्किट के लिए वी एम बाई एक्सएल क्या हो जाएगा, माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। और क्योंकि हमें इसे कंपेयर करना है, इक्वेशन नंबर वन यहां से कंपेयर करना है, इसलिए इसको भी मैं साइन के फॉर्म में ही ले लेता हूं, यहां पर साइन के फॉर्म में ले, तो ये आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ये स्टेप्स क्लियर होंगे। तो यहां से अगर मैं दोनों वोल्टेज को लिखता हूं, तो वोल्टेज मैंने क्या एज्यूम किया था, वी ए सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई ए सी की मेरी क्या वैल्यू निकली, आई ए सी मीन्स करंट अक्रॉस दिस इंडक्टर इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर साइन ओमेगा टी था और यहां साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, इसका मतलब बाई कंपेयरिंग दिस टू देयर इज ए फेज डिफरेंस, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू, पहला चीज तो ये मिला। दूसरा हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं, फेजर डायग्राम से देख लेते हैं। तो इसका मैं फेजर डायग्राम पहले ड्रॉ कर देता हूं, वहां से आपको मैं समझाता हूं कि लीड कर रहा है लैग कर रहा है, फेजर डायग्राम। ठीक है, अब इसके लिए फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बताया था एक रेफरेंस लेंगे हम, तो मैंने मान लिया कि मैंने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, तो ये वैल्यू क्या होगी, वी एम, करेक्ट। ठीक है, वोल्टेज को अब आपको ये देखना है कि करंट जो है, करंट कितना है, माइनस पाई बाई टू। तो अगर मेरा फेजर का डायरेक्शन ये है, यानी ऐसे मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि हम जनरली एज्यूम करते हैं, तो करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस है, तो माइनस है मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और इधर अगर हम आ रहे हैं तो नेगेटिव होगा। तो इस साइड अगर मैं इतना डायरेक्शन जाता हूं, तो दिस इज माइनस पाई बाई टू एंड दिस वैल्यू इज आई एन। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि इन केस ऑफ ए इंडक्टर, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टर करंट क्या हो रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में हमें जाना है तो करंट तो पीछे हो गया ना, इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो करंट तो पीछे हो गया, वोल्टेज आगे जा रहा है, तो करंट लैग्स वोल्टेज, करंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू, और वी कैन से इन डिग्री 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है, करेक्ट। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब हम देखते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पावर इन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट हमारा प्रोसीजर सेम होगा। पावर पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, दैट इज वी ए सी इंटू आई ए सी। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया वी एम साइन ओमेगा टी,
ठीक है, इसमें तो आपने कोई चेंज ही नहीं किया, इक्वल टू होगा वी एम साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ रही थी माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू माइनस माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ये कौन सा हुआ, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इसको चाहे तो आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, टू यहां पे अगर मैं लगा दूं यहां पे टू तो ये आ जाएगा माइनस वी एम आई एम बाई टू इंटू टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू, ये कितना हो जाएगा साइन साइन टू ओमेगा टी, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम टी। सो एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे प्रीवियस में किया था, एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू, वही प्रोसीजर रहेगा, वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम जीरो टू टू पाई वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है। तो वी एम आई एम बाई फोर पाई जीरो टू टू पाई साइन टू ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब देखिए ये फिर से साइन वेव है और इसका एवरेज वैल्यू हमें पता है कि क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर ये जीरो होगा तो ये सारा जीरो, पी एवरेज इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है। तो पी एवरेज जीरो का मतलब क्या हुआ, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट डज नॉट डेसिपेट 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 एनी पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, कंप्लीट साइकिल कोई पावर डेसिपेट नहीं करता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा यानी इट हैज सम रेसिस्टेंस कंपोनेंट, एंड इफ इट हैज सम रेसिस्टेंस कंपोनेंट तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है पावर डेसिपेट होगा, ठीक है। तो हमने देखा क्या, यहाँ पे क्या देखा, इंडक्टिव सर्किट में क्या आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा था ये चीज, करेक्ट। और फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू, करेंट जो है वो क्या कर रहा था, लैग कर रहा था वोल्टेज से, और पावर जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या आया, आपका जीरो आया। अब थर्ड केस लेते हैं, दैट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सो केस नंबर थ्री, वी आर टेकिंग केस थ्री, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फिर वैसे ही मैं एक कैपेसिटेंस एज्यूम कर रहा हूँ दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई, ठीक है, ये मेरा कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे मैं करंट एज्यूम कर रहा हूँ आई एसी और ये मेरा है वी एसी, ठीक है, प्रोसीजर सेम होगा। तो वी ए सी मैंने एज्यूम किया वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए करंट क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या होता है, सो आई ए सी इज इक्वल टू सी डी वी ए सी अपॉन डी टी होगा, आई इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। तो वोल्टेज कितना है वी ए सी, तो वही मैं पुट कर देता हूं, मुझे करंट ही निकालना है, तो आई ए सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी टी ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से फिर से सॉल्व करते हैं, आई ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वी एम तो कांस्टेंट है, वी एम सी और डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो वी एम ओमेगा सी ये तो आ ही जाएगा,
और डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो यहां से करंट की वैल्यू क्या गया, आई ए सी इज इक्वल टू वी एम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो वी एम बाई आर था, वी एम बाई आर, तो ये आर के फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया वन अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। तो वी एम बाई वन अपॉन ओमेगा सी को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन सिंपली राइट वी एम अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी, वेयर वेयर एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। तो आप देख सकते हैं एक्स सी इज इक्वल टू वन ओमेगा, सो आई ए सी इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी को क्या लिख सकते हैं आई एम, सो दिस इज आई एम मैक्सिमम वैल्यू कॉस ओमेगा टी। अब मैं चाहता हूं इसको, ये जो इक्वेशन था और ये इक्वेशन कंपेयर करना है, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं आई एम साइन, ठीक है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। एग्जैक्टली जो हमने इंडक्टर के लिए निकाला था ठीक उसके अपोजिट आ रहा है। यहां पर अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को, तो इन केस ऑफ ए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इन केस ऑफ ए कैपेसिटिव सर्किट, इन केस ऑफ ए कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट कंडीशन क्या है, दिस शुड बी प्योर, प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय कितना पाई बाई टू, ठीक है। अब इसका सिंपली फेजर में भी हम ये चीज रिप्रेजेंट कर देते हैं, फेजर अगर मैं ड्रॉ करूं फिर वही चीज, ठीक है रेफरेंस मुझे क्या लेना है, आई सिंपली अज्यूम रेफरेंस वोल्टेज वी एम और इसके साथ जो करंट आ रहा है ये करंट मैंने अज्यूम कर लिया, ये करंट है मेरा आई एम मीन्स जो कैपेसिटर एसी करंट, और इसके बीच जो एंगल आ रहा है, अगर फेजर को मैंने आपको बताया था ऐसे अज्यूम कर रहा हूं मैं कि ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके एंगल जो आ रहा है ये है पाई बाई टू। अब देखिए करंट जो है दौड़ में आगे है, करंट अगर अगर दोनों में रेस लगी हुई है तो करंट जो कैपेसिटर करंट जो है आगे दौड़ रहा है एज कंपेयर टू वोल्टेज, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटिव सर्किट, फेजर डायग्राम फॉर प्योरली प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर प्योर कैपेसिटिव, करेक्ट। अब इसमें भी हम पावर कैलकुलेट करेंगे, तो पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अब गैस कीजिए इसमें पावर क्या होगा, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी पावर डिसिपेटेड जीरो ही होगा, तो पी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू वी ए सी इंटू आई ए सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई एम कॉस ओमेगा टी। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी, सेम वैसे जैसे मैंने उधर किया था यहां पे कर दिया। अब एवरेज पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सो एवरेज पावर, एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई, पॉज करके भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं और फिर आंसर देख सकते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। यहां से जैसे पॉज कर लिया और फिर आप आंसर निकाल लीजिए और फिर मेरे देख लीजिए कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जीरो टू टू पाई वी एम आई एम बाई टू इंटू साइन टू ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां से आ जाएगा वी एम आई एम अपॉन फोर पाई जीरो टू टू पाई साइन टू ओमेगा टी डी ओमेगा टी।
और आपको पता है ये फिर से साइन वेव आ रहा है, इसका एवरेज वैल्यू जीरो, सो पी एवरेज इज इक्वल टू जीरो। सेम वही रिजल्ट आया जो आपके इंडक्टिव के लिए आ रहा था, ठीक है। सो एवरेज पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज जीरो ओवर ए कंप्लीट साइकिल। इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं है अगर आप देखेंगे तो, इंस्टेंटेनियस पावर हर एक पे कुछ ना कुछ है, बट अगर पूरे साइकिल में अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओवर इज जीरो ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, पूरा जीरो टू टू पाई का अगर पूरा करते हैं तो कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगा आपका एवरेज पावर जीरो हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एसी एनालिसिस वोल्टेज इन केस ऑफ ए रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव ले, इन केस ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड इन केस ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव। अब ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया समझने के लिए, बट अगर एग्जैक्टली हम देखें तो प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली रेसिस्टिव इंडक्टिव सर्किट इज नॉट पॉसिबल। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम जो एनालिसिस करेंगे कि अगर हमारे पास आरसी सर्किट आ जाए या आरएल सर्किट आ जाए तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द क्लास एंड थैंक यू।